गुड मॉर्निंग सर। 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 अरे भाई क्लास सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर रवि गुप्ता के यहाँ से खूब आवाज आ रही है। मैंने जो है आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ मेरी बात करो। ये जो है सर आपकी वॉइस चली गई थी। तुम लोग यार आते हो तो एकदम बदमाशी करना शुरू कर देते हो। वॉइस चली गई तो ये चला गया तो वो चला गया। बात नहीं सुन रहे हो। बात अपने ऊपर ज्यादा डाल। अरे लो ले आओ ले आओ भाई। जब तक सच्चे बैठो घंटे में ठीक से आ जाएगा। जो बच्चों के पास आता है क्यों नहीं बच्चा मुझे अपने से जाना शुरू कर दिया। ये पांच छह कर रहे हैं। हाथ दो मैं अभी आपको उसे भेज रहा हूँ। तो मैंने दो भाग के इसको कर दिया क्वेश्चन आंसर। और अभी जो बचेगा वो मैं दो में कर देता हूँ। बात समझ में आएगा सबको? यस सर। हाँ मैंने पांचवा क्वेश्चन किया है। अभी दूसरा भाग जो है मैं अभी इस मोबाइल से अभी आपको भेज रहा हूँ वापस कर रहा हूँ। दो भाग हो चुका है। एक भाग मैंने भेज दिया है आपको देख लीजिएगा उसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा भी मैं भेज रहा हूँ अभी आपके पास। और ये तीसरा भाग है थर्ड भाग। मैंने शॉर्ट ऑलरेडी स्क्रीन शॉट किया है मेरे फोन से और मैंने तत्काल भेज दिया है। सर हमें मिल गया। मैं दूसरा भी भेज रहा हूँ आपके पास। यस सर। हम व्हाट्सएप खोले हैं अभी कुछ नहीं आया। सर हमें हमारे में आया है। सर आ गया। सर आ गया। ओके सर। तीसरा भी शॉर्ट में भेज दूंगा खींच के फोटो से आपका हिंदी काम खत्म हो गया। बस अब आप ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा अगर तुम चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में किस क्रम से लिखोगे? इसको क्रम वाइज लिखना होता है। जैसे कि गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर या गांव का नाम, जनपद का नाम। ये सब आपको लिखने में आप ये लिखा जनपद के नाम नीचे लिखेंगे। अब ये कह रहा लास्ट में तुम किस क्रम में क्यों क्रम से नहीं क्यों लिखे लिखा सर? पांचवे नंबर का है ना सर? कौन सा पेज है?
पेज नंबर 56 में क्वेश्चन लिखा हुआ है। 56 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
लिखा जाता है जिससे विद्यार्थी आपको परेशानी न हो। पत्रवाहक पत्र जो भेजता है, जब पत्र डाकिया को भेजता है उसके लिए समस्या का सरल हो जाए, क्योंकि वो और घटगत भूलता रहता है, जिसको जरूरत हो उसको क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया है, आपका आंसर मैं लिख रहा हूँ। सर हम रफ में लिख सकते हैं? हाँ अभी आप रफ में लिख रहे हो। अरे सुनो मेरी बात, आपको इंतजार करो, मैं इस मोबाइल से शॉर्ट लूंगा और भेज दूंगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। आज बात भी आप परेशान करो, मैं यहाँ फोन पे पानी पी दूंगा, उधर मोबाइल को पानी आ रही है। अरे आवाज तो छोड़ो यार, तुम मतलब की बात देखो, आवाज तो आती जाती है। हेलो सबके पास आवाज आ रही है, तुम तो जब आए तो आवाज यहाँ पर हो जाती है, मतलब काट ली जाती है। सर आप जब बोर्ड के पास जाते हैं तब धीरे आती है सर, थोड़ी धीरे आती है लेकिन धीरे आती है थोड़ी। सर थोड़ी धीरे आ रही है, सर थोड़ी धीरे आती है, थोड़ा ना सर माइक को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए सर। वो चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत मतलब ये है, मैं दूर रहता हूँ नजदीक आती है, लेकिन नजदीक आ जाता हूँ तो आवाज और में नहीं आती है। बात समझ में आई ना सबको? यस सर। हाँ अब सही हो गया आवाज? आप लोग आंसर लिखते जाओ, और नहीं तो अभी रुके रहोगे मैं इस वीडियो को अपलोड करके आपको मैं भेज रहा हूँ। आंसर में आएगा आपको? यस सर। मैं अभी जो है इस वीडियो को जो है नोट कर लिख लूं बोर्ड पे, और इसके बाद नोट करूंगा, नोट करने के बाद मैं भेज दूंगा फिर आपके पास। आई डोंट वरी। ओके सर। हां यस सर। ये थर्ड पार्ट है, आइए आप दो पार्ट में भेज दिया है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी होगा, तो भाग 3 आए हैं सर, भेज दीजिए उसको भी। मैं इसको भेज दूंगा, मतलब नोट करके इसको भेज रहा हूं आपके पास, पहले लिख लेते लोगे? यस सर लिखते हैं। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप इसमें जो लिखा हुआ है कि गली मोहल्ले का नाम घर का नंबर ये सब लिखा है, तो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, आंसर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमने इस क्रम में ये क्यों लिखा है? वो कह रहा है ऐसा क्यों लिखा है आपने, कुछ बताओगे आपको आंसर? कौन से पेज नंबर पर? ये 46 का क्वेश्चन है, 56
हम क्यों लिखते हैं आएंगे आप लोग वाई निकला तो राइट इन सीरियल वन एकदम सीरियल में भी लिखा जाता है वाई यू नॉट राइटिंग नंबर समथिंग दिस साइड समथिंग दैट साइड लाइक दैट हम इस क्रम में क्यों लिखते हैं नाम बताइए आप क्यों तो लिखवाइए नाम बताओ क्या पानी कैसे बांटू पानी दे दे पानी भजन लगा दिया भैया ये कौन भजन लगा के सुन रहा है यार भजन बंद कर दो भाई तो भजन नहीं गाया जाता सर गार्गी केशरवानी गार्गी गार्गी तुम भजन लगा के सुन रही हो क्या यस सर अरे तो भजन बंद कर दो भैया अभी भगवान का भजन बाद में करना पहले ये वाला कर्म करो जो कर्म पाठ के कर्म करते हैं पहले पूजा पाठ फिर भगवान का नाम जो बाद में पहले पूजा पाठ ये क्रम जो है ये मानस को सुन कर जाओ इसको वॉल्यूम थोड़ा डिम कर दो भजन गाओगे तो सारे क्लास में डिस्टर्ब हो जाएगा भजन को थोड़ा कम कर दो हाँ तो आप लोग आंसर लिखोगे हम इस क्रम से इसलिए रहते हैं क्योंकि हम इसी हम इसी सर इसको बुक में लिख रहे हैं कि नोटबुक में नोटबुक में सर इसे बुक में लिखना है कि नोटबुक में सर बुक में लिखना है कि नोटबुक में नोटबुक हम इसी इस क्रम सर इसकी फोटो भी सेंड कर देंगे आप व्हाट्सएप में हाँ क्रम में हम इसीलिए इसलिए सर हम लिखते लगाए रिकॉर्डिंग चल रही है ना हमारी